नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चुंदेल। गुवाहाटी में आज 1.48 करोड़ रुपए के साथ 3 लोगों को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने हिरासत में लिया। जीआरपी अधिकारी के मुताबिक पैसा अरुणाचल प्रदेश से लाया जा रहा था और वो राशि को दिल्ली ले जाना चाह रहे थे। इसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई और 3 लोगों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे की जांच की जा रही है। ड्यूरिंग सेकंड टाइम वी रिकवर्ड 1,48,30,600 रुपीज फ्रॉम दैट 3 पैसेंजर एट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अकॉर्डिंगली आरपीएफ फाइल एफआईआर टू जीआरपी, तो अकॉर्डिंगली 1 केस रजिस्टर अगेंस्ट द 3 पर्सन एंड द रिकवर्ड अमाउंट द केस नंबर गुवाहाटी जीआरपीएस केस नंबर 20/22 अंडर सेक्शन 120B/417/420/317/34 आईपीसी आर नाउ वी द 21 पर्सन प्रोड्यूस ऑनरेबल कोर्ट विद द सीज अमाउंट आफ्टर रिमांड इट विल बी कम टू नो व्हाट पर्पस दे आर गोइंग रिसीव द रुपीस। आपको बता दें, तीनों संदिग्धों के रूप में अभिषेक शर्मा, उमेश चंद्र शर्मा और पवन कुमार की पहचान की गई है। पवन दिल्ली से है जबकि अभिषेक और उमेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुरक्षा कर्मियों के अनुसार वो सभी पलटन बाजार के प्रवेश द्वार पर पकड़े गए और हिरासत में लेने के तुरंत बाद पैसे वापस लिए गए। बता दें, पैसा अरुणाचल प्रदेश से लाया गया था और माना जा रहा था कि तीनों इसे दिल्ली ले जाने की फिराक में थे। तीनों पर इतनी बड़ी रकम रखने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाने का आरोप है और पूछताछ की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।